गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन लेट्स वी कंटिन्यू द चैप्टर ट्वेल्व फ्रिक्शन एंड टूडेज टॉपिक इज़ फ्लूड फ्रिक्शन दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर फ्लूड्स मीन्स विच कैन बी फ्लो लाइक एयर वाटर दीज आर इंक्लूडेड इन द फ्लूड फ्लूड मतलब होता है जो भी सब्सटेंस जो फ्लो करता है जो बहता है तो एयर और वाटर ये इंक्लूड होता है फ्लूड के अंदर सो फ्रिक्शन इज ऑल्सो प्रजेंट इन द एयर एंड वाटर सो वी विल डिस्कस अबाउट fluid फ्रिक्शन इन दिस टॉपिक यू नो दैट एयर is वेरी लाइट एंड थिन हमें पता है एयर काफ़ी हल्की होती है ओके येट इट एग्जर्ट फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू इट तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब इन मीडियम के थ्रू पास होता है या इसमें से मूव करता है तो ऑब्वियसली एयर और लिक्विड लिक्विड दोनों वॉटर लिक्विड मीन्स वाटर दोनों फ्रिक्शनल फोर्स को एग्जर्ट करती हैं लगाती हैं सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड्स एग्जैक्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वैन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू दैम तो एयर भी करती है और वाटर और अगर कोई दूसरा लिक्विड है और उसमें कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसमें भी फ्रिक्शनल फोर्स लगता है इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स इज़ फ्लूड्स सो साइंस के अंदर जो एयर है वाटर है या फिर अदर लिक्विड है उनको फ्लूड्स में इंक्लूड किया जाता है जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ सो वी कैन से दैट फ्लूड एग्जर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट इन मोशन थ्रू दैम तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लूड भी फोर्स इस फोर्स को यानी कि फ्रिक्शन फोर्स को एग्जर्ट करते हैं जब इसमें से कोई ऑब्जेक्ट पास होता है सो द फ्रिक्शनल फोर्स एग्ज एग्जर्टेड बाई फ्लूड्स इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रैग तो इस फ्रिक्शनल फोर्स को ड्रैग भी कहा जाता है जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लूड में से मूव करता है लाइक एयर या फिर वाटर में मूव कर रहा है तो उसे हम फ्रिक्शनल फोर्स ना बोल करके ड्रैग भी बोल सकते हैं द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूड डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूड एंड द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ़ द फ्लूड फ्रिक्शनल फोर्स जो कि फ्लूड के थ्रू लग रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है फ्लूड के रिस्पेक्ट में कितनी स्पीड फास्ट या कितना स्लो चल रहा है और उसकी शेप क्या है ऑब्जेक्ट की और फ्लूड का नेचर क्या है यानी कि कौन सा फ्लूड है वाटर है या फिर एयर है या अदर लिक्विड है इस पर डिपेंड करता है इट मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्टेड बाय द फ्लूड डिपेंड्स ऑन द स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूड एंड द शेप ऑफ़ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ़ द लिक्विड इन तीन चीज़ों पर फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है इट इज़ ऑब्वियस डैट वेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू फ्लूड्स दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन दैम तो ये तो पता ही है जब फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है फ्लूड एग्जर्ट कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए यानी आगे बढ़ने के लिए उस फ्रिक्शन फ़ोर्स को जो उसके ऊपर एक्ट कर रहा है ओवरकम करना होगा यानी कि उस फोर्स से ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा फ़ोर्स uh, को अप्लाई करके आगे की तरफ मूव करना होगा इन दिस प्रोसेस दे लूज एनर्जी तो इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी लॉस होती है कम होती है एफर्ट्स आर देअो मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन तो उसके लिए एफ़र्ट्स करने होते हैं कि फ्रिक्शन को कैसे मिनिमाइज़ किया जा सके जिससे कि ऑब्जेक्ट ईजिली फ्लूड्स के अंदर मूव कर सके तो पहला जो एफर्ट है दैट इज़ द तो गिवन द स्पेशल शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट इन फ्लूड्स के अंदर मूव करेगा उसको एक स्पेशल शेप दी जाती है जिससे कि फ्रिक्शनल फोर्स कम लगे और इजली वो उस फ्लूड के अंदर मूव कर सके सो यू सीन द बर्ड्स एंड फिशेज हैव टू मूव अबाउट इन फ्लूड्स ऑल द टाइम तो आपने देखा कि बर्ड और फिश आराम से मूव करती हैं फ्लूड के अंदर वाटर के अंदर और एयर के अंदर बर्ड्स फिश पानी के अंदर क्योंकि उनकी बॉडी इसी शेप की होती है उनकी बॉडी की जो शेप है बीच में से ब्रॉड और साइड में से नैरो होती है तो इस वाली शेप को कहा जाता है स्ट्रीम लाइन बॉडी स्ट्रीमलाइन लाइन शेप तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको स्पेशल शेप दी जाती है स्ट्रीमलाइन लाइन या फिर ओवल शेप जिससे कि फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सके और ऑब्जेक्ट आसानी से मूव कर सके तो इससे फ्रिक्शनल फोर्स से ओवरकम होगा और ऑब्जेक्ट ईजिली मूव करेगा सो वी फाइंड दैट सिमिलरिटी इन इट्स शेप एंड दैट ऑफ अ बर्ड तो हम यहाँ फिगर भी दिया हुआ है अगर आप देखेंगे तो रिजेम्बल करेगी एरोप्लेन की दिखा रखी है शेप स्ट्रीम और जो एक बर्ड फ्लाई कर रही है उसकी शेप इन दोनों की शेप रिजेम्बल करती है और इसी शेप को कहा जाता है स्ट्रीम शेप तो इस शेप का एडवांटेजेस क्या है इट रिड्यूस द फ्रिक्शनल फोर्स सो दैट ऑब्जेक्ट मूव्स ईजिली सो चिल्ड्रन रीड दिस टॉपिक फ्रॉम योर बुक And now we will do the last question of this chapter, that is question number 10. Question is explain why objects moving in fluids must have special shapes. Answer The frictional force exerted by fluids is also called drag or fluid friction. To overcome or minimize air fluid friction, the bodies of objects minimize its surface sometimes spherical shapes or other streamlined shape with a smooth surface like aeroplane jets, raindrops have a streamlined curved surface to reduce air drag So do this question in your notebook Thank you.